सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ में। दोस्तों, राशन मनी अलाउंस के नाम पर जवानों के साथ बड़ा धोखा। राशन मनी अलाउंस में मैच 70 पैसे की बढ़ोतरी, भूतपूर्व सैनिकों ने बताया इसे सेना का अपमान। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है यहाँ पर जवानों को दिए जाने वाले राशन मनी अलाउंस से जुड़ी हुई, और आज इसी खबर के बारे में इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप अभी से लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी जवानों को मिलने वाले राशन मनी अलाउंस की जो राशि है उसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों आइए शुरू कर लेते हैं कि क्या है ये पूरी खबर, क्यों जवानों के साथ में यहाँ पर धोखा किया गया है राशन मनी अलाउंस के नाम से। तो ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के गौरव का प्रतीक तीनों सेनाएँ, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों व अफसरों के राशन मनी भत्ते में केवल 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 2017-18 में राशन मनी भत्ता जवानों को 116.59 रुपये था, जबकि 2018-19 के लिए यह भत्ता बढ़ाकर 117.29 रुपये प्रति जवान प्रतिदिन किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिर्फ 70 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है एक साल के दौरान। तो इसकी वजह से यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस राशन मनी को भारतीय फौज के लिए अपमान करार दिया है। इन संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि रोजाना बढ़ रही महंगाई के दौर में फौजियों के खाने में महज 70 पैसे का इजाफा किसी भी सूरत में जायज नहीं कहा जा सकता। इसमें जवानों को रोजाना दूध और अंडा भी नहीं मिल पाएगा। सरकार को कम से कम राशन मनी भत्ता 250 रुपये प्रतिदिन प्रति जवान कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। महज 70 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है। तो दोस्तों, राशन मनी भत्तों को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से 4 अप्रैल 2019 को तीनों सेना प्रमुखों के नाम एक पत्र भेजा गया था, जो कि आपके सामने है। और इस पत्र में तीनों सेनाओं के जवानों और अफसरों को बराबर का राशन मनी भत्ता दिए जाने का जिक्र किया गया है। सेनाओं के इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO के कर्मियों को भी यह भत्ता मिलेगा। और इस पत्र में 4 वर्षों के दौरान राशन मनी भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की गई है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, टेबल आपके सामने है, और इसमें वर्ष 2015-16 में जवानों को 97.85 रुपीज़ राशन मनी भत्ता, 2016-17 में 113 रुपये, 2017-18 में 116 रुपये और 2018-19 में 117.29 रुपये राशन मनी भत्ता दिए जाने के लिए कहा गया है, जो कि काफ़ी कम यहाँ पर राशन मनी भत्ता है एक जवान के लिए। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, राशन मनी भत्ता शांत क्षेत्र में तैनात जवानों और अफसरों को मिलता है, जबकि इस भत्ते का स्पेशल रेट केवल उस स्थिति में मिलेगा जब कोई सैनिक रेल या रोड से यात्रा कर रहा हो और मूवमेंट कंट्रोल ड्यूटी के दौरान किसी जगह पर ड्यूटी देना जहाँ सरकार द्वारा राशन की सप्लाई नहीं की जाती हो, वहाँ पर जवानों को राशन मनी भत्ता दिया जाता है और स्पेशल रेट से, और राशन मनी जो नॉर्मल रेट है उस रेट से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि राशन मनी अलाउंस में मात्र 70 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, जो कि जवानों के साथ एक सीधा बड़ा धोखा यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट है जवानों के राशन मनी भत्ते से जुड़ी हुई। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद नहीं आई होगी, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट है ये। 4 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय की तरफ से तीनों सेना प्रमुखों को लिखा गया लेटर है, और इसमें जवानों के राशन मनी भत्ते में महज 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।